सत्ता चली गई हो, लेकिन आज भी कई नेता सत्ता के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बीते 15 सालों में उन्होंने जो कुछ किया वो अभी भी करने पर आमादा हैं। मामला इंदौर उज्जैन के टोल नाके का है, जहां टैक्स मांगने पर बीजेपी सरपंच नरेंद्र सिंह पवार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ टोल नाके के बाहर और कैबिन के अंदर बैठे कर्मचारियों की जमकर धुनाई कर दी। इंदौर उज्जैन फोरलैन है SS-27, यहाँ पर बारौली टोल टैक्स की घटना है। यहाँ पर तकरीबन रात को 10 बजे के लगभग एक रिट्स गाड़ी आई है, उसने ऊपर आगे कहीं उसकी प्लेट पर सांसद प्रतिनिधि लिखा हुआ था। वो एकदम से बूम के पास में उसको लगाते हैं और देन उसके बाद लड़के ने उससे आईडी मांगी कि सर आप कौन हैं, क्या हैं, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन। देन उसके बाद गाली गलौच और वही सामान्यतः जो घटना होती है यहाँ पर मारपीट, तो उसे बूथ में घुस के मारपीट की गई, उसके साथ में काफ़ी हद तक मारपीट हुई। ये वारदात तब हुई जब टोल वसूली के लिए सरपंच की कार इंदौर उज्जैन के टोल नाके पर रोकी गई। इसके बाद सरपंच कार के अंदर से ही रौब झाड़ने लगे। इसके बाद भी जब कर्मचारी टोल वसूली के लिए अड़े रहे तो उन्होंने गेट नहीं खोला और सरपंच पर गुस्सा सवार हो गया। सरपंच ने आप देखा ना ताव कार में से उतरकर पहले तो बाहर खड़े कर्मचारियों को हटाया, इसके बाद कैबिन में घुसकर टोल कर्मचारियों की पिटाई कर दी। कल महाकालेश्वर टोल प्लाजा पर कोई बूथ ऑपरेटर से मारपीट की गई है, इसमें दो व्यक्ति आए थे रिट्स कार लेकर। अभी इन दोनों की तलाश जारी है, इसके लिए टीम भेजी गई है। बताया जा रहा है ये ग्राम मेरखेड़ी के रहने वाले हैं। कौन लोग हैं ये? अभी दो आरोपी हैं, एक नरेंद्र सिंह पवार है और दूसरा शेखर सिंह पवार। कर्मचारियों की पिटाई की घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई। इसके बाद टोलकर्मी इंदौर के बाण गंगा थाने में जा पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इधर पुलिस ने फुटेज के आधार पर मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। न्यूज डेस्क।